नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। पहले के समय में माता पिता के एक ही आदेश पर संतानें सब कुछ करने को तैयार रहती थी, लेकिन आज चंद संतानें अपनी शादी के बाद अपने माता पिता की ओर से आंखें ही फेर लेती हैं। आमतौर पर अब संतानों का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करना ही रह जाता है, तथा इसके बाद वो उन्हें घर से निकालने और उन पर अत्याचार करने के अलावा दर दर की ठोकरें खाने को भी मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है रीवा के पडरा निवासी विश्वनाथ पांडे और इनकी पत्नी के साथ, जो बेटे के सताए कानून की शरण में न्याय की आस में पिछले 3 महीनों से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। पर वो कहावत है ना कि घर कुट की तब बन मछे, जिसका अर्थ है कि अगर घर में सुख नहीं है तो बाहर के दुखों का तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। बस यही हाल है इस दंपति का, जिनको घर से वो बेटे निकाल रहे हैं जो कभी उनकी उंगली पकड़कर दुनिया देखा करते थे, जो एक एक निवाले के लिए अपने माता पिता पर आश्रित थे। पढ़ा लिखा कर जिन्हें काबिल बनाया, वो अब उन्हें दाने दाने का मोहताज बनाना चाहते हैं। बेटे संतोष पांडे और बहू स्नेहलता ने इतना सताया कि अब प्रशासन से गुहार लगाई है, पर सिर्फ सुनवाई की तारीख देकर वो भी पल्ला झाड़ ले रहे हैं। ऐसे में ये वृद्ध जाए तो जाए कहां। वही पीड़ित का कहना है कि बहू स्नेहलता ने मारपीट की झूठी FIR तक दर्ज करवाई है और घर से बेघर करने की धमकी दे रही है। आज ज्यादातर परिवारों का यही आलम है, जो माता पिता इन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी शादी करते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होते ही उनके बच्चे उन्हें बेघर कर देते हैं। ऐसे में माता पिता ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या उन्होंने अपने बच्चों की शादी करके गलती कर दी, जो बहू के मिलते ही अपने माता पिता तक को भूल जाते हैं। सुनिए वृद्ध माता पिता क्या बता रहे हैं। धमकी देती है बड़ी बहू का नाम बताइए। स्नेहलता बेटे का नाम बताइए। संतोष पांडे। संतोष परेशान करता, गाली मार दू रोज रोज। आप पति हैं? हाँ, पति पत्नी है। कोई रोजगार नहीं, कोई किसानी नहीं, कोई पेंशन नहीं। हम लोग तो दाना दाना को मर जाएंगे। ये दवाई के कागज पूरे दिखा दीजिए। ये दवाई के कागज पूरे रजिस्टर, राकेश पटेल, इंदुलकर, कितने रखिए। पीपी ये राकेश पटेल जी के यहाँ का है। हाँ, और ये देखिए विंध्या हॉस्पिटल का ही। हाँ, तो यहाँ पे फ्री आपकी जांच होती होगी ना, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बना। कुछ नहीं हुआ, कुछ कहीं फ्री नहीं हुई, एक पैसे की दवा कहीं फ्री नहीं हुई, कुछ नहीं कहीं। ये डाइट चार्ट कहाँ से? अरे कहाँ कहाँ डॉक्टर दिखे होंगे डाइट चार्ट। कागज रखे हैं, ये कागज यहाँ का है जो आप कार्रवाई के लिए लगाए हैं। दादा बताइए समस्या है? अपनी समस्या आप बताइए। समस्या पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। विश्वनाथ पांडे। कहाँ से हैं आप? मुंबई पर्रा। यहाँ पे कितने समय से कलेक्टर के पास से आ रहे हैं आप? 2-3 महीना से आ रहे हैं। 2-3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं है, बुलाते हैं चले जाते हैं। और मांग क्या है आपकी? क्या चाहते हैं आप? क्या नया चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि उसको हम दे दिए हैं, अब हमें खाना खुराक दे। बड़े बेटे को? बड़े बेटे का नाम बता दीजिए। संतोष पांडे। लड़ाई दंगा करे तो चला भी जाए। सभी प्रॉपर्टी आप उनके नाम करा दिए हैं? नहीं संतोष। घर का बंटवारा? घर का नहीं कराया है। प्रॉपर्टी माता जी के नाम है? माता जी के नाम है जमीन जायदाद? क्या क्या है? और फिर भी खाने को नहीं देते? खर्चा नहीं देते? उसको किराया से दिए हैं? देते तो अब जब सभी इधर लिए डेरा जबरदस्ती, अब क्या दें? लड़ाई दंगा करते हैं। हम अपना वो कर दिए, लेकिन वो क्या हो नहीं देते। जबरदस्ती तीसरा हिस्सा जमीन ले लिया है, धमकी देते हैं, गाड़ी खड़ी कर दिया चार चक्का। बताइए धमकी क्या देते हैं? धमकी क्या देते हैं आपको? मारे? अरे बताना ही पड़ेगा, यहाँ से मैं बताने के लिए ही खड़ी हूँ। बताइए मुझे क्या खुल के बात बोलिए। बस गाली देते हैं, जो सच्चाई है आप बता दीजिए। देते नहीं है, खाना नहीं देते हैं, बस हमारे कोई जरूरी देते नहीं। हम तुम्हें दे दिए, तुम हमें खाना दे। नहीं तो उनको आपने क्या दिया है? मकान दे दिए रहने के लिए। बेटे कहाँ रहते हैं आपके बड़े वाले? कहाँ नौकरी करते हैं? एजेंसी में करते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ। उपल मोटर रीवा में? हाँ रीवा में। ठीक है, और छोटे बेटे कहाँ हैं आपके? वो तो सागर में, मैहर में। अभी आया है? अभी आया।
तो उसी के उसमें रहते तो उसको भी बोलते नौकरी से निकाल दीजिए, झूठी रिपोर्ट। अच्छा बहू ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, बहू का नाम बता दीजिए। स्नेहलता ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपके खिलाफ। क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हम देवर की नौकरी छुड़ा देंगे, लपटाता है, मारता है, दारू गांजा पी के मारता है, लपटता है। अच्छा ये आरोप लगाए कि ये मारते हैं। अच्छा दोनों बाल बच्चे आरोप लगाया देवर के ऊपर, सास ससुर के ऊपर। अच्छा दो बच्चे हैं उसके, वो बोलता भी नहीं छोटा वाला, फिर भी आरोप लगाती थी। यहाँ आप कब कब आते हैं? कितने 2 महीने से यहाँ आप आ रहे हैं कलेक्ट्रेट में? हाँ, कोई सुनवाई नहीं दिया गया तो किस टाइम पे आइए आप? अच्छा थाने में भी क्या FIR वगैरह करवाए? आवाज को पेशी पेशी है वो बंद पड़ा हुआ है, अधिकारी नहीं आए हैं। चलिए तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।